हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है और कौन सी कार उन्होंने परचेज करी है? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? नामिका मिश्रा। ओके नामिका जी, कितने दिन आपने मेरे पास ट्रेनिंग ली? सर मैंने अभी तो आपके पास 3 दिन ली है, शुरुआत में पहले सीख चुकी थोड़ा सा। हाँ, तो वो बीच में गैप हो गया था, बट गाड़ी आपकी नहीं आई थी। तो गाड़ी कौन सी परचेज करी आपने? सर मैंने टाटा की टियागो फुली ऑटोमेटिक। टाटा की टियागो फुल ऑटोमेटिक, ठीक है। तो टाटा की टियागो आपने क्यों ली? और भी तो के गाड़ी में जा सकते थे आप सर, क्योंकि ये सब कहते हैं टाटा की टियागो मजबूत रहती है। मजबूत, मजबूती का नाम रियल में टाटा ही है ना। टाटा के मजबूती के मामले में टाटा बेस्ट है। तो दोस्तों इन्होंने ये ऑटोमेटिक और ये पीसी से टीचर हैं और डेली इनको 40 किलोमीटर जाना, 40 आना, मतलब 80 किलोमीटर इनको डेली रनिंग करना। तो उस हिसाब से आपने बहुत अच्छी कार ली, क्योंकि इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है ना। ऑटोमेटिकली है तो और बेटर है आपके लिए। लेडीजों के लिए ऑटोमेटिक तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बार बार गियर चेंज नहीं करना, बार बार क्लच दबाने की कोई दिक्कत नहीं है एज ए स्कूटी। बट स्कूटी का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको गाड़ी की लेंथ का, गाड़ी की चौड़ाई, गाड़ी की लंबाई, कटिंग, कितना स्टीयरिंग घुमा रहे हो, ये सारा आइडिया होना चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं, जो कि आप इतना सीख चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने सीट बेल्ट लगा ली। जी सर। सीट बेल्ट लगा के सीट एडजस्ट कर ली आपके हाइट के अकॉर्डिंग। अब अपने राइट वाले ओआरबीएम को चेक कर लो, दिख रहा है? लेफ्ट वाले ओआरबीएम को चेक कर लो, दिख रहा है? लुकिंग ग्लास को चेक कर लो, दिख रहा है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग? अब आपको सबसे पहले ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन करना है। ब्रेक पे पैर रखो और इग्निशन, इग्निशन चाबी को घुमाओ, हाफ स्विच काटो पहले। हाँ, अब इग्निशन ऑन हुआ, अब इंजन ऑन करो। ब्रेक दबा के इंजन ऑन करना पड़ेगा। इंजन ऑन हो गया, बिना ब्रेक के इंजन ऑन नहीं होगा। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान देना है, अगर ये गियर पे है तो नहीं स्टार्ट होगी, ये न्यूट्रल पे ही स्टार्ट होगी, ठीक है। कंपलसरी जो गियर लीवर है ये न्यूट्रल पे होना चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल वाली, आर पे और ए पे और न्यूट्रल, 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको क्या करना, हैंड ब्रेक अनलॉक करना है। पहले तो हैंड ब्रेक अनलॉक करो, गुड। अब राइट का सिग्नल दो नीचे को। अब धीरे धीरे आपको ब्रेक रिलीज करना, पैर आपका ब्रेक पे ही रहेगा। जी सर। हाँ, सामने वाले सब्जी वाले को थोड़ा ध्यान रखना, धीरे धीरे चलो। गियर तो डालो मैडम, उसको ए पे तो करो। हाँ, गियर जब लगाओगे तो ब्रेक लगा के लगाओगे, बिना ब्रेक के गियर नहीं लगेगा। अब जाओ धीरे से, अंकल को हॉर्न दो, धीरे से खिसकाओ, बस ब्रेक को फ्री करो और राइट वाला मिरर चेक करो, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हाँ बस, गुड, बस अब सीधी कर लो, स्टीयरिंग बराबर बैलेंस बना के पकड़ो, इनको मैडम को हॉर्न दो। हाँ, अपना लेफ्ट साइड ध्यान रखना, लेफ्ट साइड। जब भी अब जैसे आपने रिक्शे को ओवरटेक किया, तो इधर देखना है कि रिक्शा जब आप पूरी तरीके से ओवरटेक कर लो रिक्शे से और आपकी कार में करीब 1-2 मीटर की दूरी हो जाए, फिर लाइन चेंज करना। और अनामिका जी, पूरी गर्दन नहीं घुमानी होती है, हल्की सी आंखों की पुतलियों को लेफ्ट और राइट करना होता है। अगर आप पूरी गर्दन घुमाओगे ना तो फिर सामने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हट जाएगा, ठीक है। कल उन्होंने कितना फ्यूल डाल के दिया था इसमें? फ्यूल तो है नहीं, तो फ्यूल तो है नहीं इसमें, फ्यूल डलाना पड़ेगा। हाँ, अभी डलवा लेते हैं चल के, क्योंकि फ्यूल नहीं है इसमें। अब यहां से हमें लेफ्ट चलना, तो लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को। हाँ, अपना पहले राइट देखना फिर लेफ्ट टर्न करना, पहले राइट देखो फिर लेफ्ट। अब अपना लेफ्ट की तरफ एक राउंड घुमाओ स्टीयरिंग का पूरा। अब सीधी कर लो, बस चलो, अब जाओ हल्का सा एक्सेलेटर लो, वी शेप में, वी शेप में। हाँ, अब हल्का एक्सेलेटर लो। हाँ, गुड। इधर आगे से रास्ता बंद है, हल्का 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 चलते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे जैसे गाड़ी आपको भी रोकनी सपोज, तो पहले आप लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, अब गाड़ी लेफ्ट और लेके आओ थोड़ा, अब ब्रेक लगा लो। अब मेरी गाड़ी में क्या होता था, ऐसे ब्रेक नहीं लगाते, ऐसे जो भी पीछे बैठा है गोद में आ जाएगा, आपने जरूरत से ज्यादा। और पैंडल को देखो, पैंडल के बीचों बीच में पोजिशन में आपका पैर आना चाहिए, पैंडल जो है बीचों बीच में पैर, पैर पीछे करो थोड़ा, बीच पैंडल का जो बीच, और नीचे देखो ना पैंडल पे बीचों बीच में। हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट होना चाहिए, समझ गए? हाँ, अब आप राइट का सिग्नल देती, जब कार आपने बढ़ाया था तो आपको राइट का सिग्नल देना चाहिए था। इसमें क्या है, ब्रेक बहुत लाइटली लगाना, बहुत ज्यादा टाइट करोगे तो एकदम, हाँ जैसे अभी झटका लगा तो झटका लग जाएगा। हल्का लेफ्ट आओ। हाँ, अभी हम लोग यहीं से यू टर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो।
जाने दो और जाने दो, हल्का लेफ्ट ही रखना गाड़ी अपनी, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, हाँ चलने दो, सीधी रखो और लेफ्ट आओ, बस अब यहाँ पे रोको गाड़ी, स्टॉप करो, हाँ अब राइट का इंडिकेटर दो। सर वहाँ जगह है वैसे? कहाँ? तो वहाँ पे थोड़ा सा थाने वाला रोड है ना, वो कंजेस्टेड होगा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, अब आप राइट का सिग्नल दो, अब पूरी 90 डिग्री से स्टीयरिंग घुमा लो, फुल फुल घुमा लो, डेढ़ राउंड, ठीक है? अब जाओ धीरे धीरे, चलो ब्रेक छोड़ो और चलो 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 धीरे 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 धीरे। हाँ देखो बाइक आ रही है, हॉर्न दे दो, हॉर्न यहाँ से बजता है मैडम, यहाँ से ये है, ये हॉर्न नहीं ये, अच्छा, है लेकिन ये यहाँ दबाओगे आप, ये बटन दबा रही थी, ये नहीं दबाना, ये दबाना है। चलो जाओ धीरे धीरे, देखो गाड़ियाँ आ रही हैं, अब धीरे धीरे निकालना है आपको, धीरे धीरे, हाँ चलो जाने दो, फुल कट ही रहने दो, फुल फुल कट ही रहने देना, सीधी मत करना, हाँ जाने दो धीरे 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 धीरे, जाने दो जाने दो जाने दो, अब सीधी करो आराम आराम से, आराम आराम से। मैडम साइडें भी देखा करो आप, साइडें नहीं देखते हैं ना, खाली इससे देखोगे तो साइड कैसे पता चलेगा आपको, साइड भी तो देखना है। चलो फ्रंट ग्लास से तो हमें सब दिख रहा है, हमें जो चीज इसमें दिखेगी वो यहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा, जो चीज यहाँ से आपको समझ में आ रहा है वो वहां से नहीं आएगा, और जो चीज उस राइट वाले वो आरबीएम से समझ में आ रहा है वो यहाँ से नहीं आएगा, इससे आपको बैक साइड दिखेगा, है ना। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, चलने दो धीरे धीरे, हाँ अभी जो कट आते हैं ना यहाँ पे राइट से लेफ्ट से, हमें खतरा सामने से है या दाएं बाएं से है? खतरा हमें ज्यादा किधर से? दाएं बाएं से, लेफ्ट और राइट से जो लोग अचानक निकल आते हैं ना उनसे हमें खतरा है, और आपको इस गाड़ी को पूरा स्कैन करना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों में ब्रेक ले लिया करो हल्का सा, पूरा एकदम सट के मत जाया करो, सीधा चलो, एकदम घुस के मत जाया करो कि घुस गए एकदम, एक दो मीटर पहले गाड़ी रोक लो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो आप विगनर हो, आप विगनर हो, चलाती अच्छा हो, बसरते बस कहने का मतलब ये है कि आप पहले से अलर्ट हो जाओ, चाह के भी कोई गलती ना हो। ऑटोमेटिक चलाना बहुत आसान है, अभी देखो लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा आपने क्लोज कर दिया था, ज्यादा क्लोज कर दिया था, थोड़ी दूरी, ये जो आपका लेफ्ट वाला ओ आर बी में 1 फीट, ये देखो बॉडी यहाँ है, कितना आगे बाहर निकला, ये देख रहे हो आप, इसको समझना पड़ेगा ना आपको, और ये बहुत कॉस्टली होते हैं साइड मिरर, पता है आपको। चलो जाने दो, राइट रखो हल्का, अब देखो फिर गाड़ी आपके भी सट जाएगी वहां, 20-30 मीटर पहले प्लान करना, और बहुत ज्यादा राइट भी नहीं भागना है कि एकदम से आप तीर की तरह भागे जा रहे हो, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है, ना क्लच है ना ब्रेक है, कुछ भी नहीं है, और स्टीयरिंग को जितना लाइट पकड़ोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, टाइट करोगे तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। पासिंग डिपर यूज किया करो, पता है ना पासिंग डिपर? हाँ करके दिखाओ, यस सिंगल रोड के लिए पासिंग डिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो करो, वो इनोवा वाला निकाल रहा है, रोकने को मैंने नहीं बोला था, मैंने कहा था स्लो करो, स्लो बोला था, रोकने को नहीं बोला था, आपने एकदम रोक दिया, 100% रोक दिया, रोकना थोड़ी था, धीरे धीरे गाड़ी रेंगती रहती है आपकी। राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ, सीधा चलना है, थोड़ी सी इसमें ना चुस्ती फुर्ती चाहिए, बढ़ाओ स्पीड, प्लस दबा के सेकंड बोल रहा था, तो ऑटोमेटिक है, चलते रहो धीरे धीरे, चलते रहो 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 धीरे धीरे हल्का। हाँ अब वो मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई ना, इसीलिए वो ब्लिंक कर रहा है। हाँ अरे रुक जाओ भाई, लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ।
हल्का लेफ्ट लेके आओ, हाँ आगे टी पॉइंट से हमें लेफ्ट चलना है, टी पॉइंट से लास्ट में जाके लेफ्ट टर्न करना है। सिग्नल दो हाँ लेफ्ट का, हाँ यहाँ पे थोड़ा लेबर है हल्का सा, इस गड्ढों को बीच में लो, गड्ढे को बीच में ले लो, हाँ चलो चलो सीधा चलो, बीच में आ गया दोनों टायरों के बीच में, बस अब यहाँ से हमें लेफ्ट चलना है, राइट दबा के लेफ्ट, कर्ब लेके हॉर्न स्लो करके, हल्का स्लो करके चलो, टर्न करो अब सीधी करो, गुड। स्टीयरिंग का इशारा खेल है, स्टीयरिंग को अगर आप कसके पकड़ोगे तो टाइम पे तो छोड़ दोगे, इशारे से चलती पावर स्टीयरिंग, इशारे से चलती आपने पूरी घुमाई, छोड़ दो अपने आप सीधी हो जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग तो सर ऐसे ऐसे घुमाते हैं। हाँ तो वो ऐसे ही चलाना है आपको भी, जैसे भी मैंने बताया ना वैसे ही चलाना है, हल्का सा एक्सीलेटर लो, पासिंग डिपर यूज किया करो, बताना ना पड़े मुझे कि पासिंग डिपर, हॉर्न और पासिंग डिपर, इसको पासिंग डिपर दो, गाड़ी हल्का राइट दबाओ, नहीं लेफ्ट में भी जाके उसमें डस्टर में आप टकरा जाओगे, पासिंग डिपर दो इसको, हाँ हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बस राइट रखो, राइट राइट, अब देखो आपने लेफ्ट में देखा ही नहीं, मैडम ये कौन बताए, अरे गाड़ी वाला आ रहा था तो नजर तो सब तरफ घुमानी है, यहीं से लेफ्ट लेना है, ये आपको कौन बताएगा कि लेफ्ट देखो राइट देखो, जो रोज मैं आपको बताता आया हूँ, इसमें सिर्फ आपको क्लच और गियर नहीं बदलना, बाकी सब कुछ सेम ही है, टर्न करो सीधी करो फटाफट, आप एक्चुअल में स्टीयरिंग थोड़ा कस के पकड़ रही हैं, नहीं नहीं वो हो रहा है आपको नहीं पता चल पा रहा है, हल्का सा स्टीयरिंग टाइट पकड़ रही है, हाँ जितना लाइट पकड़ोगे उतना अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाओगे, जितना लाइट पकड़ोगे, ये जो गाड़ियां राइट में लेफ्ट में खड़ी है ना इनको देखना है कि गाड़ी कितनी, अब जैसे लेफ्ट वाले आरपीएम को चेक करो, पता चलेगा आपको कि लेफ्ट में जो कार खड़ी थी इंडिको उससे क्या डिस्टेंस आपने मेंटेन करके गाड़ी को निकाला है, अब देखो कहाँ जा रहा है पहिया आपका, देखा आप पूरी गर्दन घुमा दे रही है ना, आप पूरी गर्दन, खाली आंखों की पुतलियों को लाना होता है, जब आप लेफ्ट वाले आरपीएम को देखती हो तो सामने से आपकी नजर हट जाती है, क्यों हट जाती है भाई, किस लिए आपको खाली आंखों की पुतलियों को घुमाना, हाँ हल्का राइट दबाओ, राइट बोला मैडम और आप लेफ्ट दबा रही हो, मैंने राइट बोला था आपको, चलो स्पीड मेंटेन करो। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।